सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? आप सब लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे हाउ टू इंस्टॉल बीक्रिप्ट इन आवर टर्मक्स एप्लीकेशन। हाँ दोस्तों, बीक्रिप्ट कैसे यूज़ कर सकते हो टर्मक्स के एप्लीकेशन में, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करें। सबसे पहले ओपन करना है टर्मक्स को, पीकेजी अपडेट एंड पीकेजी अपग्रेड, ये कमांड आपको हमेशा रन करते रहना है। तो मैं इजीली ये कमांड रन कर देता हूँ। तो मेरे दोस्तों, मेरे पास ये इंस्टॉल था, प्री इंस्टॉल है, अपग्रेड और अपडेट होकर है, तो मैं ऐसे मतलब कैंसिल कर देता हूँ। लेकिन आपको पूरा प्रोसेस करना है अगर आपने न्यूली इंस्टॉल किया होगा। तो फिर पीकेजी इंस्टॉल नोड.js जो आपके स्क्रीन के ऊपर कमांड देखने को मिल रहा है, ये इंस्टॉल करना है। क्योंकि नोड.js में आपको अगर यूज़ करना है बीक्रिप्ट, तो वही स्टेप्स बताऊंगा। क्योंकि मेरी यार जो नॉर्मल बीक्रिप्ट होता है, अगर आपने डॉक्यूमेंटेशन पढ़ी होगी तो इंस्टॉल नहीं हो रहा है। बहुत सारे बंदे प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, तो मैं आपको इजीली बता दूं। तो यहाँ पे नोड.js को आपको इंस्टॉल कर लेना है, तो ये थोड़ा प्रोसेस टाइम लेगा। तो दोस्तों मेरे इसमें तो इंस्टॉल था, लेकिन तो भी मैं आपके सामने लाइव इंस्टॉल कर रहा हूँ। अभी देखते हैं यार, ये जैसे इंस्टॉल होता है फिर नेक्स्ट आगे की प्रोसेस आपको बताऊँगा। तो यहाँ पर हमारा हो चुका है शायद से फुल्ली इंस्टॉल। तो दोस्तों मतलब यार एक सर्वर क्रिएट कर सकते हो, मतलब जब आप मतलब यार ऑथेंटिकेशन यूज़ करोगे तब बीक्रिप्ट आपको बहुत काम आएगा। क्योंकि डेटाबेस में आपको हैश पासवर्ड स्टोर करना पड़ेगा, और अगर आप टर्मक्स में यूज़ करते हो फुल स्टैक डेवलपमेंट तो अच्छा रहेगा। MKDR एक डायरेक्टरी बनाया, MKDR नोड.js नाम की एक मैंने डायरेक्टरी बनाई, उसे ओपन करना है CD कमांड से। CD नोड.js, सॉरी ये नोड.js हो गया था, तो CD नोड.js लिखना है। उसके अंदर आने के बाद यहाँ पे आपको NPM इनिट करना है, और फिर बाद में यार आपको कुछ गेटअप्स ऐसे मतलब शो करेगा नेम आपके नोड.js का, एंटर क्लिक करना है सब पे। अब NPM इंस्टॉल करना है आपको bcrypt.bcrypt.js, क्योंकि दोस्तों एक नॉर्मल बीक्रिप्ट अगर आप इंस्टॉल करते हो NPM इंस्टॉल बीक्रिप्ट जो मतलब डॉक्यूमेंटेशन जो होता है, तो वो इंस्टॉल नहीं होगा, यूज़ भी नहीं होगा बीक्रिप्ट। इसलिए bcrypt.js आपको इंस्टॉल करना है, यही होगा मेन। फिर touch honey.js नाम की एक फाइल क्रिएट किया टच कमांड से, touch honey.js, और मैंने honey.js से ओपन किया फाइल को। इसके अंदर हमें लिखना कुछ होगा, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले कौन से बीक्रिप्ट को हम लोग रिक्वायर कर लेते हैं हमारे मतलब यार bcrypt.js में से, और फिर हम लोग यार एक प्रॉमिस क्रिएट करते हैं async await का। और फिर बाद में यहाँ पे हम लोग क्रिएट करते हैं एक फंक्शन, उसका नाम होगा कॉल, और इसे हम इसके अंदर हम लोग async, इस फंक्शन async होगा क्योंकि यार ये हमें मतलब यार रिटर्न करेगा एक प्रॉमिस। तो हमें क्या करना है, कॉन्स्ट हम लोग हैश पासवर्ड करते हैं, और bcrypt का जो मतलब यार एक अवेट करके हम लोग अवेट करके bcrypt.hash, और उसके अंदर हमारा जो भी पासवर्ड होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप बैकएंड में यूज़ करो, तो मैं इसलिए यहाँ पे मतलब यार एक हेलो ही लिखूँगा, और हेलो के बाद हमें सॉल्ट वैल्यू देना होगा। तो मैंने यहाँ पे 10 दी थी हैश पासवर्ड की, और यहाँ से हम लोग रिटर्न कर देंगे हैश पासवर्ड को। अब क्या करना है, हमें यहाँ पे कॉल मेथड को मतलब यार कॉल करना है, लेकिन ये होगा एक प्रॉमिस। तो हमें डॉट देन मेथड यूज़ करके हैश पासवर्ड को एक मतलब यार कॉल बैक फंक्शन में पास करना होगा। तो सॉरी, मैं इस यहाँ पे मुझे कॉल बैक फंक्शन पास करना है, तो मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ इजीली। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इसके अंदर ही हमें कंसोल लॉक करना है हमारे हैश पासवर्ड को। तो अगर हम जब कंसोल लॉक हमारा अगर प्रॉमिस सब वर्क करता है इजीली, तो हमारा हैश पासवर्ड हमें मिल जाएगा हेलो का, तो bcrypt की मदद से, bcrypt.js मतलब bcrypt.js की मदद से। तो फिर हमें यहाँ पे अगर कुछ एरर आता है, तो हम लोग वो एरर को कैच कर लेंगे, और इस एरर को हम लोग यहाँ पे कंसोल लॉक कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या करना है, कैच के अंदर भी एक कॉल बैक फंक्शन होता है, तो इस कॉल बैक फंक्शन को भी मैं रिटर्न कर देता हूँ, और उसके अंदर हम लोग पास करेंगे एक एरर। मतलब यार जो भी अगर एरर आता है बाय चांस, अगर हमारा प्रॉमिस कुछ एरर मतलब यार रिटर्न कर रहा है, तो हम लोग यहाँ पे उसे कर देंगे प्रिंट। अब दोस्तों ये हमारा कोड हो चुका है, अब हमारे पास होगा एक मतलब हैश पासवर्ड, तो हम लोग इसे सेव कर देते हैं। Ctrl+S से आपको सेव करना है, और Ctrl+X से आपको कैंसिल करना है इस फाइल को, नहीं तो आप एक और एडिटर में भी यूज़ कर दो। मतलब यार मैंने उसके ऊपर भी वीडियो बनाई है, वो भी आप जाके देख सकते हो। तो दोस्तों अभी इसे एग्जीक्यूट करने के लिए आपको नोड और आपने जो भी फाइल का नाम दिया था वो लिखना है, और एंटर करने के बाद यहाँ पे आपको हैश पासवर्ड मिल जाएगा। तो यही था स्टेप्स, आप इजीली इंस्टॉल कर सकते हो बीक्रिप्ट को। मिलते हैं।